सलाम आदाब मिशन यू जी सी नेट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आप सभी का खैर मकदम है इससे कबल के लेक्चर का बाजाबत आगाज़ किया जाए जानना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी है प्लीज़ आप जल्द अज जल्द बताएँ ताकि बाबा तौर पर क्लास का आगाज़ किया जा सके तब तक मैं आपकी कमेंट्स देखता हूँ प्लीज़ आप ऑडियो वीडियो के हवाले से हमें मुतला करें ताकि क्लास को हम बाबा तौर पर शुरू कर सकें चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है आप सभी अहबाब को सलाम। जैसा कि मैसेजेस मौसू हो रहे हैं कि एवरी थिंग इज़ ओके ऑल क्लियर सर तो ठीक है और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आज आप लोगों के साथ कनेक्ट करके क्योंकि गुजत चंद दिनों से गले की ख़राश और तबीयत की नासाजी की बुनियाद पर मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा था वक्ता वक्तन-फक्तन कुछ वीडियोस कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं लेकिन बाबा तौर पर क्लासेस नहीं हो पा रही थी अल्लाह रबुल्ज़त का शुक्र है कि आज हम एक नई यूनिट का आगाज़ करने जा रहे हैं आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि हमारी नई यूनिट जो शुरू होने जा रही है वो बाप पंजुम पर मुश्तमिल है उर्दू दास्तान और ड्रामा ये यूनिट आज हम शुरू करने वाले हैं यू तो इसमें पहला पोर्शन दास्तान का है लेकिन आज के इस लेक्चर में खसूसियत के साथ हम गुफ्तू करेंगे ड्रामे के फ़न पर जैसा कि हमारा तरीक़ार है हर सिंफ़ को हर पार्ट को हर बाप को हर हिस्से को काफ़ी गहराई और गिराई के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए यूनिट नंबर फाइव बाप पंजुम को भी ड्रामे में या बाप पंजुम में ड्रामे को बिल्कुल गहराई और गिराई के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे हर हर पहलू पर हम नज़र दौड़ाएंगे ताकि एग्ज़ाम में इस यूनिट पर चाहे जिस तर्ज का सवाल आपसे पूछ लिया जाए आप अपने आप को जवाब देने का अहल पाएंगे हमारी नई यूनिट जिसमें हम ड्रामे के फन पर गुफ्तु करने वाले हैं सबसे कबल हम इस यूनिट में निशाब को देखेंगे यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है मैं चाहूँगा कि आप वक्तन फोक्तन इस पर विज़िट करते रहा करें ताकि जो भी नोट्स वगैरह हम अपलोड करते हैं उनसे आपको आगाही मैसर आ जाए सिलेबस यूनिट नंबर फाइव का सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उर्दू दास्तान और ड्रामा दास्तान पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आज हमने आगाज़ करना है ड्रामे का फन और उसका आगाज़ इर्तिका अल्लाह ने चाहा तो आज इस टॉपिक को हम बहुत हद तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और बकिया के लेक्चर्स में फिर इन ड्रामा निगारों और इनके ड्रामों पर हम गुफ्तु करेंगे तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का जिसका है ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़ इरतका कुछ अहम पॉइंट्स बुलेट की शक्ल में हमने यहाँ पर आपके सामने पेश किए हैं ड्रामा महज मुकालमे में लिखी तहरीर का नाम नहीं है ना महज वाक्यात और किरदार का मजमू है ना ये महज तफरी है और ना महज जलसा है ड्रामे की तारीख पर जब हम नज़र दौड़ाएँगे तो दुनिया की तकरीबन हर जुबान में हमें ड्रामे का वाफर और वकी जखीरा मैसर आता है अवामी रिवायत की शक्ल में भी हर जमाने और हर इलाके में इसका वजूद बाकी रहा है रिवायत की शक्ल में रिवायत की शक्ल में जब हम दास्तान पढ़ेंगे तो किस तरीके से रिवायतें मुंतकिल होती रही है कल कलब एक जहन से दूसरे जहन में बिल्कुल उसी तरीके से ड्रामे भी रिवायत की शक्ल में मुंतकिल होते आए हैं इसी एतबार ये कहा जाता है कि ड्रामे की रिवायत उस क़दर कदीम है जितना के खुद इंसान कदीम है इंसान की तारीख जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी तारीख ड्रामे की है रिवायतों का एक ला मुतनाही सिलसिला आपको दास्तान और ड्रामे के हवाले से नज़र आता है अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसलिए कहा जाता है कि ज़माने कदीम ही से इंसान ने सोचना शुरू किया वो सोचता है समझता है महसूस करता है तजर्बा करता है मुशाहिदा करता है और फिर वो दूसरों तक उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करता है अपने इल्म को अपने तखयुल को अपनी मालूम को वो दूसरों में मुंतकिल करता है मुंतकिल करने के लिए उसके पास दो जराए थे एक आवाज़ और दूसरा इशारा जिसे आप हरकत कह सकते हैं हरकत सकनात कह सकते हैं हमारे अफ़ाल कह सकते हैं तो जो कुछ भी हमने मुशाह किया जो कुछ भी हमने तजर्बा किया है जो कुछ भी हमने सोचा है वह हम दूसरों में मुंतकिल करते थे उसके लिए दो ज़रिया हम इस्तेमाल करते हैं एक आवाज़ और दूसरे इशारा और यही ड्रामे की बुनियाद है ड्रामे में हम देखेंगे आवाज़ को बहुत अहमियत हासिल है और इशारे और किनाए को बड़ी अहमियत हासिल है तो हम देख रहे थे ड्रामे का <coughs> सॉरी आगाज़ कहाँ से हुआ तो ड्रामे का आगाज़ इंसान की तारीख़ से मुश्तक है जितनी तारीख़ इंसानों की है उतनी ही कदीम तारीख़ ड्रामे की है अब जो कुछ ड्रामे में होता आया है तो बेहंगम आवाज और आजा की हरकत से तजर्बात और जज्बात के इजहार में ड्रामे के धुंदले धुलें अवली नकोश मिलते हैं ये जुमला काफ़ी अहम है बेहंगम आवाज क्योंकि बाबा ज़ुबान का वजूद नहीं हुआ था या इशारे उस क़दर मुरतब नहीं हुए थे जो माना खेज हो तो बेहंगम आवाजें होती थी और हरकत शक्न मुख्त किस्मों के होते थे लेकिन उन बेहंगम आवाज़ों में और उन आज़ा की हरकत तो सकन में हम ड्रामे के अव्लिन नकोश को महसूस कर सकते हैं अव्वली नकोश जैसे तनकीद के अवली नकोश हमें तस्करों में नज़र आते हैं इनशाइये के अव्ली नकोश हमें मुला वजी की सबरस में नज़र आते हैं या सर सैद अहमद ख़ान के मजमून उम्मीद की खुशी में नज़र आते हैं तो अव्विन नकोश हमें इन हरकत सकनात में देखने को मिलती है अभी हम ड्रामे पर ड्रामे तक नहीं पहुँचे जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस वक्त वो सब के सब क्या है वो सब के सब है ड्रामे का आगाज़ कैसे हुआ फिर उसका इरता कैसे अमल में आया और उसके इर्ता में किन किन ड्रामा निगारों ने अहम किरदार अदा किया है एक एक करके हर किसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अब हम देखने जा रहे हैं ड्रामे की तारीफ डेफिनेशन ऑफ ड्रामा ड्रामे की तारीफ हमने ली है इंसाइक्लोपीडिया बाटानिका इस किताब में इंसाइलोपीडिया बटानिका की रूस लफ्ज़ ड्रामा उस यूनानी लफ्ज़ से माखूज है जिसके माना है करके दिखाई हुई चीज़ करके दिखाई हुई चीज़ यूनानी लफ्ज़ से ड्रामा माखूज है उसके माना है करके दिखाई हुई चीज़ और अगर शेल्डन चीनी शेल्डन चीनी ये लिखता है द थिएटर न्यूयॉर्क यॉर्क नाइनटीन फो सेवन पेज नंबर थर्टीन में ड्रामे की तारीफ वो लिखते हैं मैं करता हूँ और जिसका इतला की हुई चीज़ पर होता है है ना यूनानी लफ्ज़ से माखूज है जिसके माना है मैं करता हूँ मतलब करके बताना करतब के जरिए से आमाल के जरिए से अफ़ाल के जरिए से हरकत व शक्न के जरिए से जो चीज़ की जाती है वो ड्रामा कहलाती है बोतिका में अब देखिए अरस्तु की दो किताब काफ़ी मशहूर है एक बोतिका है और एक फन खताबत है या आप कह सकते एक फन शायरी है दूसरी फन खिताबत है द रेटोरिक एंड द पोइटिक्स दो किताब काफ़ी मशहूर है अब ऐसा नहीं कि अरस्तु ने सिर्फ दो किताब लिखी है अरस्तु ने नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं यूनिट सेवन में जब हम अरस्तु को पढ़ेंगे उनकी किताबों का तज़्जिया हम वहाँ पर पेश करेंगे उनके नामों की फहरिस्त हम वहाँ पर पेश करेंगे लेकिन ये दो किताबें अदब के एतबार से है लिटरेचर के अतबार से है और हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर तो लिटरेचर के एतबार से जो दो किताबें हैं उनका तस्करा बार बार आएगा इससे पहले सवाल पूछा गया था बोतिका का उर्दू तर्जमा किसने किया है अभी इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर दरियाफ्त किया गया है बोतिका में किस सिंफ पर बहस की गई है ये सवाल भी पूछा जा चुका है तो बोतिका में अरस्तु ने ड्रामे की कोई बाकायदा तारीफ पेश नहीं की है लेकिन इसके बावजूद ड्रामे की तोजी करते हुए ड्रामे का तजिया करते हुए लिखते हैं क्या लिखते हैं ड्रामा इंसानी अफाल की ऐसी नकल है ड्रामा इंसानी अफाल की ऐसी नकल है जिसमें अल्फाज की मौजूनीत और नगमे के ज़रिए किरदारों को महव गुफ्तु और मसरूफ़ अमल हो बहु वैसे ही दिखाया जाए जैसे कि वो होते हैं या उनसे बेहतर या बदतर अंदाज में पेश किया जाए ड्रामा क्या है जो कुछ हम करते हैं हो बहु उसको बताया जाए किसके ज़रिए से किरदारों के मुकालमों के जरिए से उनके अमाल के ज़रिए से अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ कोई वेब सीरीज़ का कोई मूवी का कोई डॉक्यूमेंट्री का तो देखिए कैरेक्टर अच्छा कौन सा माना जाता है जैसे कोई वेलन है वो कोई बैड कैरेक्टर, अगर वो अदा कर रहा है तो अगर देखने वाले को नाजिर को उसके कैरेक्टर से घिन महसूस होती है उसके किरदार से बदबू वो महसूस करता है वो बुरा ख्याल करता है तो ये मान लीजिए कि वो कैरेक्टर अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहा है क्योंकि वो अपने आप हाँ को बुरा नहीं पेश कर रहे वो उन आमाल को उन खसलतों को उन बुरी आदतों को पेश कर रहा है जिसे नाजिर देख कर बुरा महसूस करता है ये एक किस्म का दर्श देना है नसीहत देना है और ये एक किस्म का रवैया है कि हम अपने आमाल के ज़रिए से अपनी हरकत व के ज़रिए से अपने नाजरीन को बुरा महसूस करवा रहे तो क्या पेश किया है अरस्तु ने के बिल्कुल उसी तरह पेश किया जाए जैसा कि वो होते हैं और देखिए आपका सवाल उसका जवाब यहाँ पर मौजूद है अज़ीज़ अहमद अगर आप हमारी नोट्स में इस तरह के जुमलों पर गौर करते हैं हवाले की तर्ज़ पर इसलिए कि हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड की है या जो हम डे बाय डे लाइफ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या जो बुक फॉर्म में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हवाले के साथ में है कहाँ से आपने देखा होगा तारीखी ज़ुबान उर्दू में भी हमने सिर्फ यह बताने की कोशिश नहीं की कि दक्कन का नजरिया नसीरुद्दीन हाशमी ने दिया पंजाब में उर्दू की पैदाइश का नजरिया महमूद शरानी ने दिया सिंध में उर्दू का पैदाइश का नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने दिया ब्रिज भाषा से उर्दू निकली है ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया बल्कि हमने ये भी आपको बताने की कोशिश की है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किताब आब हयात में इस सफ़ा पर यह जुमला कलम किया है उस जुमले के रूह से यह नतीजा निकलता है कि मोहम्मद हुसैन आजाद का यह मानना है कि उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है इबन कासिम की आमद और वो गजनबी वगैरह वगैरह के हवाले से सैयद सुलेमान नदवी ने नुकुश सुलेमानी नामी किताब में ये ये ख्याल दर्ज किया है जिसकी बुनियाद पर यह नतीजा खज किया जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी का ये मानना है कि उर्दू का ह्यवला वाद सिंध में तैयार हुआ है तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपको हवालों के साथ मुकम्मल बातें फराहम की जाए क्योंकि यू जी सी नेट कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है टीचिंग फील्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है आप एक रेप्यूटेड स्कॉलर बन जाते हो इसे क्रैक करने के बाद आपको जे मिलता है आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर सोसाइटी में वर्क करते हो आप ग्रेजुएट बनने वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो और चंद सालों के सर्विस के बाद आपको गाइडशिप मिलते हैं आपके अंडर में स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके मुताला में पुख्ती होनी चाहिए आपके पास मालूम का बेहतरीन जखीरा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अहबाब इस वक्त जो है वो कमेंट कर रहे हैं मैं इस वक्त पढ़ने से कासर हूँ क्योंकि अभी मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको इस टॉपिक को डील करने के हवाले से और हमारी कोशिश रहेगी कि ड्रामे का आगाज़ इर्त का वह आज हम मुकम्मल पढ़ लें आगे देखते हैं किसी वाक्य या वाक़े को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के रूबरू फिर से अमलन पेश करने को ड्रामा कहते करके दिखाना जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ को करके बताना दोबारा हो तमाशाई लफ्ज़ तमाशा यहाँ पे तमाशा बेसम देखने वाले नाजरीन जो है उनके सामने हो ब करके बताना ये कहलाता है ड्रामा उम्मीद करता हूँ अब आपसे ड्रामे की तारीफ़ जब कभी भी पूछी जाएंगी आप अपने आप को अहल पाएंगे इसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं ड्रामे के अज्जाए तरकीबी अब ड्रामे के अज्जाए तरकीबी देखिए ड्रामे के अजाय तरकीबी जो है ना वो अरस्तु ने बताए हैं किस में बताए हैं बोतिका में बताए हैं याद रखेंगे बोतिका में अरस्तु ने ड्रामे पर बात की है और यही किताब अरब में पहुंची थी जिसके जरिए से अरब में तनकीद निगारी के असरा देखने को मिलते हैं लेकिन कुल तौर पर इस किताब के असरा अरब में वारिद नहीं हुए थे सबब यह है कि अरस्तु की किताब ड्रामे पर बात करती है और अरब में कसीदा पाया जाता था ड्रामा नहीं पाया जाता था बावजूद इसके उसके कुछ ना कुछ नकुश वहाँ पर मुरतब जरूर हुए थे तो अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के अजाय तरकीबी छः है कौन कौन से हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ पहला है प्लॉट वाक़ात को फितरी तसलसल बतनी रफ्त और हम आहंगी के साथ पेश किया जाता है प्लाट किरदार आप कह लीजिए अब प्लाट पर अगर मैं बात करूं तो बात काफ़ी तवील हो जाएगी प्लाट कई तरह के होते हैं है ना राउंड प्लॉट होते हैं जिसे आप आ, आ, कहानी दर कहानी किस्सा दर किस्सा ये प्लॉट की आप किस्म कह सकते हो एक फ्लैट प्लॉट होता है बिल्कुल सादा प्लॉट होता है बयानिया प्लॉट होता है बयानिया अंदाज़ होता है तो वो प्लॉट की किस्म होती है दूसरा जुज्व है किरदार अब किरदार भी जो है ना वो कई तरह के होते हैं जैसे यक रुखी किरदार है दो रुखी किरदार है और सयर रुखी किरदार है वो किरदार जो ड्रामे के साथ साथ और वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं ताहिर मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस वक्त आप कंसंट्रेट कीजिए हमारे लेक्चर पर जो कुछ भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अदरवाइज आपका कंसंट्रेशन अगर बाकी नहीं रहा तो फिर आप चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और मेरा भी रिदम अगर टूटता है तो जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो भी आपको समझा नहीं पाऊँगा तो मैं मुल्तमस हूँ हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने कि प्लीज़ इस वक्त आप कंसंट्रेट कीजिए इस वक्त आपके टॉपिक पर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपका कमेंट मैं लास्ट में ज़रूर देखूंगा तो किरदार किरदार अलग अलग तरीके के होते हैं उसके बाद तीसरा जुज्व है मुकालमा अब मुकालमा बहुत अहम होता है जिस किस्म का किरदार होगा उस किस्म का मुकालमा होना चाहिए जैसे ड्रामा अनारकली ड्रामा अनारकली में जब बादशाह के जरिए से कोई जुमला अदा होगा तो उसमें वो नफासत होनी चाहिए वो शगुफ्तगी होनी चाहिए वो रवानी होनी चाहिए वो फ़साहत व बलागत होनी चाहिए वो जुमलों का बरमहल इस्तेमाल होना चाहिए वो उम्दा ज़ुबान होने होनी चाहिए वो तराकीब होनी चाहिए लेकिन वही मुकालमा जब किसी नौकरानी के ज़रिए से अदा होगा जब किसी गुलाम के ज़रिए से अदा होगा जब किसी महकूम करेक्टर के ज़रिए से अदा होगा तो उसके जुमले किस्मों के होंगे मामूली किस्मों के होंगे मुकालमे ही किरदार को दमदार बनाते हैं और मकालमे ही नावलों को दास्तानों को और ड्रामों को जिंदा और जावीद बनाते मकालमा जिस का दर दमदार होगा उदर बयानिया आपका मजबूत और तवाना होगा ज़ुबान अब मुकालमा जो कुछ भी अदा किया जा रहा है ज़ाहिर सी बात है वो ज़ुबान के ज़रिए से अदा किया जा रहा है तो जिस अहद में ड्रामा लिखा जा रहा है जिस जमाने की गुफ्तगू की जा रही है ज़ुबान उसी किस्म की इस्तेमाल की जानी चाहिए जिस एरिए में जिस इलाके में जिस ख़त्ते में जिस ज़माने में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्नीसवीं सदी के आगाज़ का कोई ड्रामा लिखा जा रहा है तो वो ना सिर्फ़ अपने समाज की अपने माशरत की अपनी तहजीब की अक्का करेगा बल्कि उस समाज में जो ज़ुबान राइज थी उस जुबान को भी वो बयान करता हुआ नज़र आएगा दर्शाता हुआ नज़र आएगा तो ज़ुबान भी उमदा होनी चाहिए जिसके ज़रिए से किरदार अपने मामूल अपने अमाल और अपने अपने खयालात को ज़ाहिर करने वाले होंगे म्यूसिकी ये भी एक अहम जुज़ होता है ड्रामे का बैकग्राउंड में बहुत सारी म्यूज़िक वगैरह चलती होती है जो फेशियल एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करने वाली होती है चेहरे के तसरात को बताने वाली होती है और आ, जो कुछ भी हो रहा है वो गु़स्से का वाक्य हो या गम का वाक्य हो या उदासी का पस मंज़र हो वो सब के सब जो है वो आपको म्यूसिकी के ज़रिए से भी बावर करवाई जाती है उसके बाद आरइश देखिए ड्रामा अनारकली कितना फ़ेमस हुआ था है ना इम्तियाज़ अली ताज ने कितनी मेहनत की थी उसमें अलग अलग मंजर पेश किया गया उसके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इतना मशहूर ड्रामा होने के बावजूद आज तक स्टेज नहीं किया गया है वो कहीं पर बताया नहीं गया क्यों आराइश की बुनियाद पर उसके डेकोरेशन के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला था कि किसी थिएटर वाले ने हिम्मत नहीं की कि उसे फिल्म उसे ड्रामा करके बताया जाए उसे ड्रामा किया जाए उसे स्टेज किया जाए तो ये छः प्लॉट थे उम्मीद करता हूँ कि बातें आपके समझ में आ रही होंगी और प्लीज़ आप कंसंट्रेट कीजिए इस वक्त लेक्चर पर जो भी कमेंट्स रहेंगी मैं लास्ट मोमेंट पर आपको देने की कोशिश करूँगा ड्रामे का आगाज़ कैसे हुआ वो हमने देख लिया ड्रामे की तारीफ क्या है वो हमने समझ ली ड्रामे के अज्जा क्या है वो हमने देख लिए अब हम देखने जा रहे हैं ड्रामे की अकसाम बुनियादी तौर पर ड्रामे की दो किस्में है पहली किस्म कहलाती है अलमिया जिसे ट्रेजडी कहते हैं दूसरी किस्म है तरबिया जिसे कॉमेडी कहते हैं अलमिया ट्रेजडी आपको याद होगा इससे पहले आ, मैं एक लेक्चर पढ़ा रहा था ज़ुबान बयान के जब गुफ्तु हुई थी तो मैंने आपको एक ड्रामे का इकतेबास वहाँ पर बताया था रुस्तमो सोहराब, रुस्तमो सोहराब क्या है एक अलमिया है ज दी है कि बाप ने अपने बेटे को कभी नहीं देखा बेटे ने अपने बाप को कभी नहीं देखा वो तहमीना की निशानी वो बाजू बंद और दोनों आमने सामने आ जाते हैं एक अप्रस आपका का सिपाही बनकर आ जाता है एक ईरान की तरफ़ से आता है तो एक तुरान की तरफ़ से आता है दोनों अपने फ़ौजों की सिपाली के फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन दोनों के दिल में क़र व मंजिलत है एक दूसरे के तलुक़ से इज़्ज़त है अहतराम है है ना बेटा जो है बाप को पहचान नहीं रहा है लेकिन उस उनकी क़वत का कायल है बाप बेटे को जान नहीं रहा है लेकिन उसकी जवा मर्दी बेबाकी बहादुरी का वो कायल नज़र आता है और जब बाप के हाथों से बेटे के दिल में खंजर जाता है है और वो जो मंजर पेश किया गया आप खुद इस बात के गवाह होंगे या आप पढ़ लीजिए वो दो वक्तों का खाना नहीं खाएगा जिस एतबार से रुस्तम सौराब को पेश किया गया वो दर्द बयान किया गया कि एक बाप के हाथों में उसका कड़ियल जवा साल बच्चा दम तोड़ रहा है हिचकिया ले रहा है मुंह से खून रिस रहा है और जिगर जो है ना वो पारा पारा हो चुका है बाप ने अपने हाथ से बेटे को कत्ल कर दिया है और मरते वक्त उसे मालूम होता है कि ये कोई और नहीं उसी का लख्त जिगर है इसकी शरीनों में उसी का लहू दौड़ रहा है उसी का खून गर्दिश कर रहा है उसी का खून जो है वो गरमाया हुआ है और वो कहता है कि भाग जा भाग जा अब मेरा बाप रुस्तम तुझे नहीं छोड़ेगा फिर रुस्तम को एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो सहराब है और फिर वो कहता है कि मैं तहमिना को क्या जवाब दूंगा वो जो कुछ है ये रोज़ रोज़ होने वाला सानह नहीं है मैंने उसमें बहुत तफसील के साथ आपको बताया था ऐसा क्यों हुआ उसका सबब क्या था ये एक मरतबा रस्तम सहराव को पढ़ लीजिएगा तो ड्रामे की दो किस्म होती है एक अलमिया कहलाती है दूसरे तरबिया कहलाती है इसके अलावा भी कुछ किस्में होती है जैसे मेलोड्रामा फ़ारस ड्रीम ओपेरा वगैरह ये भी ड्रामे की किस्मों में शुमार किए जाते हैं आगे देखते हैं ड्रामे का तारीख़ी पस मंज़र अब यहाँ से हम ड्रामे की तारीख़ को समझने की कोशिश कर रहे मैं चाहूँगा और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप इन चीज़ों को समात करने की कोशिश करें आगाज़ हमने देख लिए है तारीफ हमने देख ली है अज्जा हमने देख लिए है अकसाम हमने देख ली है अब हम देखने जा रहे हैं तारीख़ ड्रामे की अब हिंदुस्तान की जब भी बात होगी तो हिंदुस्तान में ड्रामे की रिवायत बहुत कदीब है और मस्तकम है क्यों इसलिए कि रस्म और रिवाज के तहत देवी देवताओं के आगे और बिलखसूस ब्रह्मा के आगे किस्म किस्म के स्वांग भरना रकस करना मुख्तलिफ रस्म और हरकतों से अकीदत का इजहार करना यहाँ का पुराना शेवा रहा है रफ़्ता इन्हीं अफ़ाल हरक़त ने रंगा रंगी की सूरत अख्तियार करके ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर ली थी ये देखिए तारीख है इस तरीके से मुख्तलिफ हरकतों के जरिए से और हरकतें क्या थीं अकीदत पर मबनी थी किसके लिए की जाती थी देवी देवताओं के लिए की जाती थी बिलखसूस ब्रह्मा के आगे किस्म किस्म के स्वांग रचे जाते थे रकस किए जाते थे और फिर वही ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तकरीबन यही सूरत हाल यूनानी ड्रामों की भी है जिस तरीके से हिंदुस्तान में रिवायत मिलती है उसी तरीके से यूनान में भी यही रिवायत ड्रामों के हवाले से हमें देखने को मिलती है और जिसकी इब्तदा हुई थी डायोनेसस के आगे नजराने अकीदत के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर हिंदी हिंदू देवी देवताओं के आगे सर ख़मीदा हुआ जाता था यूनान में डायोनेसिस के आगे नजरान अकीदत पेश किया जाता था बाबा सालाना जलसे होते थे गाने बाजे होते थे नकलोह हरकत होती थी और इस तरीके से यूनान में ड्रामे का बाबा आगाज़ हुआ तो ड्रामे के सिलसिले में पहले उसूल एक तरफ़ हमें अरस्तु की बोतिका में नज़र आते हैं और दूसरी तरफ भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में दिखाई देते हैं यूनिट सेवन में भरत मुनि को बहुत डिटेल में बहुत तफसील में हम पढ़ने वाले भरत मुनि पर और नाट्य शास्त्र पर अक्सर सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने का इम्कान है जब जब अरस्तु की बात आएंगी तब दब आपको भारत भरत, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र का तजकरा ज़रूर सुनने को मिलेगा इसलिए कि यह ख्याल किया जाता है कि जिस वक्त अरस्तु भोतिका लिख रहे थे उससे बहुत पहले भरत मुनि अपनी किताब नाट्य शास्त्र लिख चुके थे ये बताने का लबिलुबाव ये है कि जो मगरबी नक्काद है उनको ये खुमार है उनको ये गुमान है कि उर्दू में तनकीद नि का आगाज़ बात मगरबी अदब के ज़रिए से होता है जब हम तनकीद पर बात करेंगे वहाँ पर अलग अलग ख़्यालत अलग अलग अकसाम को हम वहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे लेकिन एक ख्याल ये भी है कि हिंदुस्तान में जो है भरत मुनि तो नाट्य शास्त्र तो लिख चुके थे तो तनकीद का आगाज़ तो बाबा तौर पर यहाँ पर हो चुका था अजान हो रही है मैं चाहूँगा कि दो मिनट का वक़ा लिया जाए फिर हम कंटिन्यू करेंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया शमा पूछ रहे हैं कि सर अजाय तरकीबी में मरकज़ी ख़याल नहीं है क्या गुड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमने जो अजाय तरकीबी देखे हैं वो अरस्तों के मुताबिक देखे हैं अब अलग अलग अजाय तरकीबी बताए गए हैं उसको हम आगे चल कर देखेंगे अभी हमने यहाँ पर जो देखे थे अरस्तु ने जो बताए थे उसके मुताबिक हमने यहाँ पर देखे है तो ड्रामे का तारीखी पस मंज़र हमने अभी देखा कि हिंदुस्तान में कदीम है एक लफ्ज ब्रह्मा ब्रह्मा एक देव है उनके आगे सॉन्ग रचाया जाता था या अकीदत का इजहार किया जाता था वो ड्रामे की इब्तदाई शक्ल बनी है अब हिंदुस्तान में संस्कृत ड्रामों का चलन ये बहुत पुराना है क्योंकि अभी हमने ऊपर देख लिया है तो संस्कृत ड्रामों का चलन बहुत पुराना है और इसके ऊपर फ़ख्र भी किया जाता है और जैसे जैसे हिंदुस्तान का जुग्राफ़िया तब्दील हुआ है यहाँ पर बहुत सारी नई नई तहजीबें वजूद में आई है अब जोग्राफिया कैसे तब्दील हुआ है जो जो हुक्मरान यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं वो सिर्फ अकेले नहीं आए अपने साथ ज़ुबान लेकर आए थे अपने साथ बयान लेकर आए थे अपने साथ रसूमात लेकर आए थे अपने साथ रिवाज लेकर आए थे अपने साथ एक कल्चर लेकर आए थे अपने साथ एक तहजीब लेकर आए थे और फिर वो तहजीबें दिन ब दिन वो बढ़ती चली गई उर्दू ड्रामों का आगाज अब हम बात करते हैं पहले हमने ऊपर देखा हिंदुस्तान में ड्रामे फिर हम देखा संस्कृत में ड्रामे अब हम देख रहे उर्दू ड्रामे उर्दू ड्रामों के आगाज़ से कबल खत् अवध में अब अवध उस दौर में एक बड़ी रियासत के तौर पर जाना जाता था अवध का ख़ता वहाँ पर क्या होता था नौटंकियाँ नौटंकियाँ खासी तेज़ी से तरक्की करती रहती है अगर आपका राजस्थान जाना हो जयपुर वगैरह जाना हो वहाँ के फोर्ड में आपका जाना होगा तो वहाँ पर नौटंकी का मिजाज आज भी हो सकते हैं हिंदुस्तान की और भी मुख्तलिफ़ रियासतों में नोटंकी का रिवाज हो लेकिन मेरा वहाँ जाना हुआ था तो हमने इस चीज़ को वहाँ पर पाया था इसलिए मैंने उसका उदाहरण दिया उसकी मिसाल पेश किया तो अवध के ख़त्े में नौटंकियाँ ख़ास तेज़ी से तरक्की कर रही थी और गांव गांव में कस्बा कस्बा में ये लोग पहुँच कर बताते थे किरदार बताते थे तो उस तरीके से उर्दू ड्रामों के आगाज़ से कबल अभी उर्दू ड्रामे का आगाज़ नहीं हुआ है उससे कबल नौटंकी का रिवाज पाया जाता था अब ये नौटंकियाँ अपने लवाजमात के अतबार से अपने साजो सामान के अतबार से कैसी थी नाकिस थी क्यों क्योंकि उनमें जनाना रोल भी कौन करते थे लड़के करते थे लड़के लड़कियों का किरदार भी लड़कों के ज़रिए से ही अदा किया जाता है इसलिए कहा गया कि लवाजमात और एहतमाम केतबार से वो नाकिस हुआ करती थी लेकिन तेज त्यौहार के मौके पर पहुँच सस्ते रोमानी किस्सों को पेश करके निचले तबके की दिलचस्पियों का सामान फराहम करती थी ये नौटंकिया इसके अलावा कठपुतली का नाच होता था भांडों की नकली होती थी तो कठपुतली का नाच अगर आप वहाँ पर जयपुर फोर्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आज भी कठपुतली का नाच बताया जाता है पहले स्कूलों में प्राइमरी जमातों में आ, लोगों को बुलाया जाता तो कठपुतली पुतली ने वो गुड़िया होती है और रस्सी रस्सी से उसको नचाया जाता है तो वो क्या है ये सब के सब नकूश है किसके ड्रामे के आगाज़ से कबल जो ड्रामे की शक्ल में यह करके बताई हुई चीज़ें जो है वो पेश की जाती थी इसी तरह भांडों के वाले से क्लब जो भांड का आया है उसके हवाले से इशरत रहमानी वो उर्दू ड्रामे की तारीख़ और तनकीद के सफ़ा नंबर 104 में लिखते हैं लखनऊ में मेलों बाजारों जश्नों बड़ी बड़ी दावतों और खुशी की तमाम तकरीबों में भांड जरूर होते थे जो अपनी मजहत नकलों से हाजरीन का दिल खुश करते थे भांडों का ये कौल मशहूर है कि महफ़िल वीरा जहाँ भांड नबाश कि वो महफ़िल वीरान होती थी जहाँ पर भांड मौजूद नहीं होते थे तो ये भी एक ड्रामे की एक शक्ल ही है या इब्तदाई नकूश है कि ये लोग भी अपने करतब के ज़रिए से अपने किरदार के ज़रिए से अपनी हरक़त सकनात के ज़रिए से लोगों की दिलजोई का सामान फराहम करते थे इन भांडों के साथ डोंगनियाँ भी हुआ करती थी जो तरह तरह की हरकतें करके लोगों का दिल बहलाया करती थी तो ये कुछ इब्तदाई नकुश है जिसे आपको नोट्स में पेश कर दिया जाएगा आप तफसील के साथ पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि ये लोग जो है ना दिल बहलाने का काम करते थे रईसों के यहाँ जाते थे नवाबों के यहाँ जाते थे शादी ब्याह के मौक़ों पर ये जाते थे राम लीला और रास लीला में ज़्यादातर मजहबी किस्सों को दिखाया जाता है अभी जब हम आगे पढ़ेंगे अमानत को जब पढ़ेंगे रस का ज़िक्र आएगा रामलीला का ज़िक्र आएंगा रासलीला का जिक्र आएगा तो वहाँ पर मज़हबी किस्सों को बताया जाता था अक़ीदत के तहत इसमें हर कसो नाकश शर्क होता बंगाल में इसको यात्रा भी कहा जाता रहा है क्योंकि तो इसका ताल्लुक़ मजहब से है तो जहाँ मजहब होगा वहाँ पर अकीदत होंगी और जहाँ अक़ीदत होगी हर कोई इसके अंदर शिरकत करेंगा बंगाल में जब यही चीज़ पहुँचती है तो इसे यात्रा भी कहाँ जाता है बहरहाल इन चीज़ों के जरिए से सुरूर तफरी मसरत का सामान पहुंचाया जाता था निचले तबके के लोगों के दरमियान इससे ड्रामे के फन और इसके लवाजमात की तवक्का करना तकरीबन बेसुध और नामुमकिन है क्योंकि इनकी पेशकश का मकसद दूसरा और अलग था मकसद दूसरा है ड्रामे का मकसद अलग था इनका मकसद अलग है इनका मकसद क्या है तेज त्योहार पर पहुँच जाना लोगों के तफरी तबाह का सामान फराम करना लेकिन ये वो सब आमाल है जो ड्रामे से मुताबिकत रखते ड्रामे की असल शक्ल नहीं है लेकिन ड्रामे से मुताबिकत रखने वाले ज़रूर है इसलिए हम इसे देख रहे हैं ड्रामे का तारिकी पस मंज़र के झेल में अब आ जाइए ड्रामे पर ड्रामे के सिलसिले में पहला कदम लखनऊ के मशहूर नवाब वाजिद अली शाह ने उठाए हैं वाजिद अली शाह के इससे पहले भी एक जिक्र मैं एक यूनिट में कर चुका हूँ नवाब साहब को रक्स सुरो नाच नौटंकी वगैरह से बेहद दिलचस्पी थी उन्होंने कृष्ण लीला और रास लीला से मुतल खेल रहस को पसंद किया देखिए रहस एक किस्म का खेल है कृष्ण लीला और रास लीला की तर्ज़ पर एक किस्म का खेल है जिसमें कृष्ण गोपियों से वादा करते रहते हैं कि वो उनकी तमन्ना जल्दी पूरी करेंगे और गोपियों की बेकरारी कृष्ण की कुर्बत और तो सोबत फिर उसके बाद कृष्ण का गायब हो जाना जमुना के किनारे उनका जाहिर होना गोपियों का घेरा बनाकर घेर लेना इस तरह तमाम रात गोपियों के साथ बसर करना रहास कहलाता है रहास क्या है एक किस्म का खेल है जिसमें कृष्ण जी जो है वादा करते हैं गोपियों से है ना उनके संगत में जो आ, ए, जो औरतें होती हैं उनसे जिसे गोपी कहा जाता है है ना उन उनसे वादा करते हैं कि वो उनकी ख्वाहिशों को यानी उनकी तमन्ना को जल्द से जल्द पूरी कर देंगे और फिर वो कृष्ण जी की सोबत में रहते उनकी कुर्बत में लेते अचानक कृष्ण जी गायब हो जाते हैं जमुना के किनारे जाहिर होते हैं घेरा बनाकर कृष्ण जी को वो घेर लेते हैं और फिर पूरी रात उनके साथ बसर करते हैं ये खेल जो है रस कहलाता है और इस खेल को नवाब बेहद पसंद करते थे क्योंकि इसमें हर तरह का तायश और तफरी का सामान मौजूद होता था तो ड्रामे के सिलसिले में पहला कदम लखनऊ के मशहूर नवाब वाजिद अली शाह ने उठाया है आगे बढ़ते हैं इसी के ताल्लुक से मज़ीद कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं प्रोफेसर मसूद हसन रजवी अदीब का ख्याल है कि वाजिद अली शाह राहस के आदबो फन से पूरी तरह वाकिफ थे राहस के जो भी आदाब थे जो भी फ़न थे जो भी उसूल थे उससे नवाब साहब वाकिफ़ थे इससे उन्हें बेहद लगाव हुआ था और अपने दरबार में उन्होंने बाकायदा रहस खाना भी बनवाया था जैसे मरसी के बाद ने हमने देखा था कि मरसिया नगारों के यहाँ पर या बादशाहों के जरिए से आशूर खाने बनवाए जाते थे जहाँ पर मरसिए पड़े जाते थे बिल्कुल उसी तरीके से नवाब साहब के यहाँ पर रस खाना बनवाया गया था जहाँ पर रहस को पेश किया जाता था या उन्हें खेला जाता था इसी के ताल्लुक से उन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा सन 1800 इकतालीस और बयालीस में लिखा और इसे बाकायदा दरबार में पेश किया जिसमें ख़ुद नवाब साहब भी शामिल थे तो इस तरीके से ड्रामे का आगाज़ होता है उन्नीसवीं सदी में सन अट्ठारह और बयालीस में उन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा है इसके हवाले से शरर साहब ने मुकम्मल एक अकतबास पेश किया है गुज्त लखनऊ के सफा नंबर अट्ठावन में इसमें उन्होंने नवाब साहब के हवाले से बताया कि किस तरीके से खुद कन्हैया बनकर अपने अमाल को अंजाम देते हैं नोट्स आपके साथ, साथ शेयर की जाएंगी तो उसे आप तफसील के साथ पढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं ड्रामे के इरतक अभी हमने देखा कि किस तरीके से अमल में आया है प्रोफेसर मसूद हसन रजवी ने वाजिद अली शाह के उस सराज को उर्दू का पहला ड्रामा कहा है लेकिन ज़्यादातर तो लोगों का ख्याल है कि राधा कन्हैया का किस्सा ड्रामा नहीं बल्कि रहस्य है ये सवाल आपकी जानब से आना चाहिए था क्या है कि बास लोगों ने वाजिद अली शाह को पहला ड्रामा निगार करार दिया है और उनका जो ड्रामा है राधा कन्हैया उसे पहला ड्रामा निगार माना है लेकिन बाद लोगों का कहना है कि वो ड्रामा नहीं बल्कि रहस्य है जो कि महेश कृष्ण लीलाओं से मुतासर होकर तरतीब दिया गया और ये सिर्फ ड्रामे के बाद में नहीं है ये आपको हर जगह नजर आएगा आप नावल उठा के देख लीजिए डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार माना जाता है लेकिन उस पर भी मुतजाद रिवायतें मिलती है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पहला इंसा नगार माना जाता है लेकिन उस पर भी मतदाद रिवायतें मिलती है जावेद वशिष्ठ ने मुकमल एक किताब लिखी है मुल्ला वजी के हवाले से उस पर उन्होंने बताया है कि मुल्ला वजी उर्दू के पहले इशाइय नगार हैं बाद लोगों ने बताया कि सर सै सरस्ये, सर सैद अहमद ख़ान पहले इनषा नगार है बिल्कुल यही रिवायतें आपको मुख्तलफ असनाफ़ के हवाले से देखने को मिलेंगी तो ये सब कुछ प्रोफेसर मसूद हसन रजवी के ख्याल है लेकिन इसमें ये है कि ये उनका पहला कदम कहा जा सकता है यह पहला ड्रामा कह पाना मुश्किल है ये ख्याल पेश किया है प्रोफेसर मसूद हसन रजवी ने आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे अमानत की इंदर सभा अमानत की इंदर सभा अभी हमने ऊपर देखा था नवाब वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया अब हम देख रहे हैं अमानत की इंद्र सभा अब राधा कन्हैया जो है ना खेल दरबार में खेले गए और आवाम से उनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि आवाम आवाम होती है दरबार से उनका ताल्लुक नहीं होता है फिर भी उनकी धूम दूर तक पहुंची उनकी शोरत सुनकर उस अहद के मशहूर शहर आगा हसन अमानत ने उसी तर्ज पर एक खेल तैयार किया जिसका नाम रखा इंदर सभा इंदर सभा उसका नाम रखा गया है और अगस्त अट्ठारह में आपने ये लिखी थी और डेढ़ साल के बाद अट्ठारह में उसे पहली बार खेला गया था खेला गया से मुराद पेश किया गया था स्टेज किया गया था पहली बार आवाम के सामने ड्रामा नुमा एक चीज़ आई देखिए अभी भी लफ्ज़ ड्रामा नुमा इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रामे जैसी एक चीज़ आवाम के सामने पहली बार आई इस उस अहद के लखनऊ के मजाक और मिजाज का पूरा पूरा ख्याल रखा गया चुनान चाहिए खेल खूब मकबूल हुआ और घर घर इसके चर्चे सुने गए तो पहले आपने क्या देखा राधा कन्हैया देखा अभी आप क्या देख रहे हैं अमानत की इंद्र सभा अमानत ने इंद्र सभा किस्से मुतासर होकर लिखी थी राधा कन्हैया के किस्से से मुतािर होकर लिखी गई थी राधा कन्हैया दरबार में खेला गया लेकिन उसकी शोहरत उसका इरफान उसकी पॉपुलरिटी वो घर घर पहुँच जाती है मशहूर हो जाती है आगे बढ़ते हैं अमानत की इंदर सभा के हवाले से कुछ और गुफ्तु कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं अमानत ने वाजिद अली शाह के रहस और उनके किस्सों से मुतासर होकर इंदर सभा तरतीब दी थी शहरत मकबूलीत किरदार और रक़स के साख्त के अतबार से इतना बड़ा काम ज़रूर हुआ कि ड्रामे के अनासर जा गए ड्रामे के अनासर वो जो अज्जा जिसकी बुनियाद पर ड्रामा वजूद में आता है वो अनासर पुख्ता हो गए वो अनासर जाग उठे और उस अहद के दिगर शायरों ने शायरी के अलावा इस सिनफ़ की तरफ तोज्जा देना शुरू कर दी इसी तरह से मुतासर होकर लिखे गए ड्रामों में मदारी लाल की इंदर सभा जिस तरीके से अमानत की इंदर सभा है उसी तरीके से मदारी लाल की भी इंद्र सभा है तो ये क्या है लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है चरबा है चरबा से मुराद किया जो असल किताब है उसको बस कमी बेशी के साथ अपने लफ्ज़ों की तब्दीली के साथ लफ्ज़ों के हेर फेर के साथ लफ्ज़ों की बाजीगरी के साथ नए सिरे से लिख देना तो मदारी लाल ने जो कुछ भी लिखा था वो चरबा था असल तो वही है जो अमानत ने इंदर सभा में लिखी है अब देखिए किस तरीके से इर्ता ड्रामे का अमल में आ रहा है उसे हम देख लेते हैं एक तरफ़ लखनऊ में वाजिद अली शाह और अमानत कि इंदर सभा है और राधा कन्हैया है वो प्रवान चढ़ रही थी अपने पीछे तहजीब तयश और रास लीलाओं के तवील पस मंज़र रख रही थी बिल्कुल उसी तरह लखनऊ से काफ़ी दूर बम्बई में मगरबी असरात के तहत पारसी थिएटर बहुत तेज़ी से दारु उस्मानिया हम देख चुके हैं दिल्ली कॉलेज हम देख चुके हैं अंग्रेज़ अपने साथ अकेले नहीं आए थे बल्कि अंग्रेज़ अपने साथ अपनी तहजीब लेकर आए थे अंग्रेज़ अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए थे अंग्रेज़ अपने साथ अपनी ज़ुबान लेकर आए थे यही वजह है कि अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए गलबों के साथ साथ उनकी तहजीब व मजाक भी ज़िंदा होता है और अंग्रेजी तहजीब और ड्रामा लाजिमों मंजूल है मंजूम है अंग्रेज़ों हिंदुस्तान में दाखिल होने के पचास बरस के अंदर तकरीबन डेढ़ सौ ड्रामे पेश किए हैं इस तरीके से ड्रामा का इर्तका अमल में आते हैं अंग्रेज आते हैं और करीब करीब डेढ़ सौ ड्रामे उन्होंने पेश किए थे इस तरीके से यक के बाद दिगरे ड्रामा जो है परवान चढ़ता है पारसी थिएटर के हवाले से और कुछ हम देखते हैं डॉक्टर अब्दुल अलीम ने अपनी किताब में बाकायदा उनकी फहरिस्त पेश की है किन की फहरिस्त पेश की है वो 150 ड्रामों की फहरिस्त पेश की है उन फहरिस्तों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 18वीं सदी के निसफ़ आखिर तक बम्बई में बाकायदा एक थिएटर कायम हो चुका था बाबा तौर पर एक थिएटर कायम हो चुका था लेकिन एक मखसूस अहद तक उसमें सिर्फ अंग्रेज़ी ड्रामे ही होते रहे हिंदुस्तानियों को देखने की इजाज़त नहीं थी अट्ठारह में बाज दुश्वारियों की वजह से थिएटर को नीलाम करना पड़ा उसकी इमारत को मनहदम कर दिया गया जब उसे दोबारा बनाने की फिक्र हुई तो एक मराठी शख़्स था नाम था जगन्नाथ शंकर सेठ उन्होंने तामीर की पेशकश की और अंग्रेज़ों ने कुछ मसलहतों के तहत उन्हें मंजूर कर लिया और फिर जगन्नाथ शंकर सेठ के ज़रिए से थिएटर बनकर तैयार होता है और उसमें सबसे पहला ड्रामा जो पेश किया गया वो मराठी ड्रामा था लेकिन सेठ को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि बम्बई में ठीक है रियासती एतबार से मराठी ज़ुबान राइज थी लेकिन वो जो पस मंज़र था उन्नीसवीं सदी का उस दौर में उर्दू ज़ुबान का तोती बोल रहा था सारे जहाँ में धूम हमारी जुबा की है आज़ादी का नारा भी पेश किया जा रहा था तो उर्दू ज़ुबान में पेश किया जा रहा था फतवा भी पेश किया जा रहा था तो उर्दू ज़ुबान में पेश किया जा रहा था तहरीक आज़ादी को जो चिंगारी मिल रही थी वो उर्दू ज़ुबान में मिल रही थी अलग अलग जो मजलिस मुनक़द हो रही थी उर्दू ज़ुबान में पेश हो रहे थे उलूम व फ़नून जो सिखाने की बात हो रही थी वो उर्दू ज़ुबान में बात हो रही थी तो जब मराठी में नुकसान हुआ तो फिर सेठ ने सोचा कि एक दो ड्रामे उर्दू के खेले जाए और इस तरीके से उनके नुकसान की तलाफी मुकम्मल की जा सके तलाफ़ी की जा सके ये ख्याल उन्होंने पेश किया था और इस तरीके से उस थिएटर में पहली बार डॉक्टर भादवा जी लॉर्ड का लिखा हुआ राजा गोपीचंद और जलंधर इसका लिखा हुआ है डॉक्टर भादवा जी लॉर्ड का लिखा हुआ राजा गोपीचंद और जलंधर नाम का ड्रामा 6 नवंबर अट्ठारह और फिर 7 जनवरी अट्ठारह को पेश किया गया देखिए मैं इस इससे कबल ही बता चुका हूँ वफा सर भी इससे कबल बता चुके हैं उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी आराइश इतनी नहीं थी ऐसा नहीं था कि आज जैसे कोई मूवी रिलीज़ होती है और पूरे वर्ल्ड में उसको रिलीज़ कर दिया जाता है हर जगह का बाशिंदा उसे देख सकता है लेकिन ये महदूद टेक्नोलॉजी का ज़माना था एक ड्रामे को पेश करने के लिए आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिलता है नवंबर, दिसंबर जनवरी एक चीज़ को पेश करने के लिए ढाई तीन महीने का अरसा लग जाता है और एक साल बाद ये फिर और पेश किया जाता है एक ही ड्रामा पेश किया जाता है लोग मुश्ताक रहा करते थे कि कहाँ पर कोई ड्रामा स्टेज किया जाएगा पेश किया जाएगा और इस तरीके से ड्रामा खासा कामयाब हुआ एहताम हुसैन लिखते हैं इंदर सभा नाटक की बेजान रिवायत की अंगलाई थी और राजा गोपीचंद चंद मगरबी ज़ौक की तख्लीक थी इस तरीके से पारसी थिएटर के ज़रिए से उर्दू ड्रामे स्टेज किए जाते हैं अब हम बात करते हैं उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर जिन्हें कहा जाता है आगा हशर काश्मीरी आगा हशर काश्मीरी के मुआसरिन की हम बात करेंगे आगा हशर काश्मीरी पर एक स्पेशल लेक्चर कल हमारा इन शबारक ताली होगा आगा हशर काश्मीरी और उनके मुआसरिन ड्रामे के इरतिका में पारसी थिएटरों के अहम किरदार का ये नतीजा निकला कि न सिर्फ आवाम में ड्रामों से दिलचस्पी पैदा हुई बल्कि दूसरे ड्रामा नगारों ने भी पारसी थिएटर के तर्ज पर ड्रामा लिखना शुरू किया उनमें अहम नाम कौन कौन से अहम नाम है तालिब बनारसी अहसन लखनवी, बेताब बनारसी आगा हशर काश्मीरी तालिब बनारसी ने तजारती कंपनीों के लिए ड्रामे लिखे हैं जिनमें नयापन था और दास्तानी रंग भी था इसी तरीके से उनकी तदाद 20 से ऊपर है तालिब बनारसी अड़तीस बरस तक विक्टोरिया कंपनी से वाबस्ता रहे उस दौर में कंपनी के जेर एहतमाम तमाम तर ड्रामे स्टेज किए जाते थे तो 20 से ज़्यादा उन्होंने ड्रामे लिखे हैं अड़तीस बरस तक एक कंपनी से वो वाबस्ता रहे हैं और उनके लिए उन्होंने ड्रामे लिखते रहे हैं उनकी ज़ुबान सुश्ता सलीस और रवा होती थी उनके अगर चंद ड्रामे हम देखेंगे तो उनके नाम है गोपी चंद नज़ा विक्रम विलास निगाह गफलत और ले लो नहार तो इस तरीके से दूसरे ड्रामा निगार भी या दूसरी सिंफों में तबाह आजमाई करने वाले अफराद भी ड्रामे की जानब मुतव होते किसके ज़रिए से पारसी थिएटर के जरिए से उसके ज़रिए से मिलने वाली शोहरत के ज़रिए से उसकी पॉपुलरिटी के ज़रिए से और उनमें अहम नाम ये आपने देखे है तालिब बनारसी आहसन लखनवी बेताब बनारसी और आगा हशर काश्मीरी उसमें तालिब बनारसी पर हमने देखा है कि उन्होंने 20 से ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं और 38 बरस तक के वो विक्टोरिया कंपनी के जेर इंसराम काम करते रहे और ये कुछ अहम ड्रामों के नाम अभी हमने देखे हैं उम्मीद करता हो कि गुफ्तु अब तक के आपको समझ में आ रही होंगी कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिएगा लास्ट मोमेंट पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पेश नज़र घड़ी भी है और इस वक्त हमारी पेपर फर्स्ट की क्लास का टाइम हो चुका है और मुझे टॉपिक भी मुकम्मल करना है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सनट्रेट करें आगा अशर काश्मीरी और उनके मुआसरन पर अभी हमने क्या किने देखा था बनारसी को देखा था अब हम देख रहे मेहदी लखनवी बुनियादी तौर पर शायर थे लेकिन अल्फ्रेड कंपनी ऊपर हमने एक कंपनी देखी थी यहाँ पर हम देख रहे अल्फ्रेड कंपनी यहाँ पर उन्होंने मुस्तकिल ड्रामा नवेश की हैसियत से ड्रामा निगारी की तरफ उन्होंने तोज्जा दी और वहाँ पर उन्होंने 1897 सौ से ड्रामे लिखने शुरू किए सबसे पहले उन्होंने मतनबी जहर इश्क़ को ड्रामे के शक्ल में लिखा आपसे सवाल पूछूंगा मतनबी जहर इश्क के मतनबी निगार का नाम क्या है आप कमेंट करके बताएं तो अहसन लखनवी ने मसनबी जहर इश्क को ड्रामे के शक्ल में लिखा जो उनके नाना मिर्जा शौक की तसनीफ थी जब आप ख़ुद आपको स्क्रीन पे मिल गया खुद मैंने आपको बता दिया जो उनके नाना की तसनीफ़ थी आसन लखनवी के नाना थे मिर्ज़ा शौक उनकी मसनवी थी जहरीश इश्क उनको उन्होंने मसनवी को ड्रामे की शक्ल में लिखा और इसका नाम उन्होंने दस्तावेज़ मोहब्बत दस्तावेज़ मोहब्बत रख रक, रखा लेकिन स्टेज नहीं हो सका लेकिन इसी साल वो अपना ड्रामा चंद्रावली अल्फ्रेड कंपनी के बैनर तले, तले स्टेज कराने में कामयाब हो गए आठ साल तक उन्होंने ड्रामे लिखे फिर इस मैदान से किनारा कश हो गए तो इस तरीके से मेहदी हसन अहसन ये कौन है आगा हशर काश्मीरी के मुआशरीन में इनका शुमार होता है आगे बढ़ते हैं इसी दौर के एक और अहम राइटर है बेताब बनारसी हमने तालीब बनारसी देखा मेहदी हसन अहसन को देखा जो कि शायर के बाद में ड्रामा निगार बने उसी तरीके से बेताब बनारसी नारायण प्रसाद बेताब ने पहला ड्रामा लिखा था कत्ल नज़ीर 1901 में और यह भी अल्फ्रेड थिएटरिकल थे, कंपनी के ज़रिए से स्टेज किया गया था उनके चंद ड्रामों के नाम आप देख सकते हैं महाभारत कृष्ण सुदामा हुसन अली बाबा तोबा शिकन मदर इंडिया सीता शकुंतला इस दौर में अबास अली अब्बास और मोहम्मद अली मुराद लखनवी ने भी ड्रामे लिखे हैं और वो स्टेज भी हुए अब्बास अली अब्बास के ड्रामों में तासीर ख्वाब और किस्मत का ख्वाब इसी तरीके से मुराद लखनवी के ड्रामों में धूप छाओ काला चराग और लालो गौ, गौहर काबिल ज़िक्र है देखिए जितने भी नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं चाहे तालिब बनारसी हो या फिर बेताब बनारसी हो या मेहंदी हसन अहसन हो ये सब के सब कौन है आगा हशर काश्मीरी के मुसरिन है उनके हम असर है और ये क्यों ड्रामा लिखने की तरफ रागिब हुए थे इसलिए कि पारसी थिएटर के, के ज़रिए से अब पारसी थिएटर को जो नई रूह मिली थी है जिसका तो सानिया अमल में आया था वो सेठ शंकर जगन्नाथ के ज़रिए से अमल में आया था जहाँ पर लाड साहब का ड्रामा स्टेज किया गया था तीन मरतबा स्टेज किया गया था और उसकी जो शहरत और मकबूलियत थी उसको देखते हुए दूसरे कलमकार ड्रामे की तरफ रागिब होते हैं और इस तरीके से मतद ड्रामे उनके ज़रिए से महारजें वजूद में आते हैं आगा हशर काश्मीरी मैं इसको अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि आगा हशर पर हम एक स्पेशल लेक्चर कल देखने वाले हैं तो वहाँ पर तफसील के साथ हम आगा हशर को देखेंगे उसके बाद हम देखते हैं अदबी ड्रामों की रिवायत ड्रामे का आगाज़ हो चुका है ड्रामे के इरता हम देख रहे हैं कि बतदरीज किस तरीके से ड्रामे अपने नुक़ः को हासिल करते जा रहे हैं तो आगा हशर काश्मीरी उन्हें तो उर्दू अदब का शेक्सपियर कहा जाता है ना उन्होंने तो रूह फूक दी है उन्होंने ड्रामों को जिंदा और जावीद बना दी है उन्होंने ड्रामों की दुनिया में हलचल पैदा कर दी है इस तरह के ड्रामे उन्होंने लिखे हैं और अलग अलग नामों से वो स्टेज किए गए हैं नशर किए गए हैं शाय किए गए हैं अब उसके बाद देखते अदबी ड्रामे की रिवायत उर्दू में अदबी ड्रामों की रिवायत उस वक्त शुरू हुई जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक तमसील नुमा ड्रामा अकबर लिखा उसके बाद अट्ठारह सौ अठासी में उन्होंने जहांगीर और नूर जहाँ के वाकत पर एक ड्रामा लिखना शुरू किया लेकिन दिमागी तोजुन उनका बिगड़ गया था आखिर आखिर में आज़ाद साहब का दिमागी तोजन नहीं था वो जब सैर ईरान वगैरह लिखते हैं और वो परिंदों की ज़ुबानों पर जब बात करते हैं बेसिक उर्दू पर जब बात करते हैं तो उनका जहनी तखयल वो बहुत ज़्यादा बाक़ी नहीं रह पाया था हम जब आज़ाद को यूनिट नंबर एट में पढ़ेंगे इनशा नगारी के बाम में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आज़ाद की शख्सियत को देखेंगे तो रिवायत कैसे आगे बढ़ रही है रिवायत तालब बनारसी है बेताब बनारसी मोहम्मद हसन अहसन है आगा अशर काश्मीरी उसके बाद एक मुतवा सिलसिला आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा था अकबर मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा जिनकी जो उमराव जान अदा के मुसनफ़ हैं उन्होंने भी जो है अट्ठारह में अभी उमराव जान अदा की बात नहीं हो रही सिर्फ उनको बताने के लिए कि वो कौन है उन्होंने 1871 में एक मंजूम ड्रामा लिखा था लैला मजनू दूसरा ड्रामा नसर में लिखा था तिलस में इसरार और इस तरीके से उन्होंने ड्रामे की दुनिया में भी कदम रखा था अब्दुल हलीम शरर अब्दुल हलीम शरर है ना जो आ, मजहबी एतबार से अकीदत के अतबार से लिखते हैं उन्होंने भी जो है ना कसरत नवे का ढेर लगाया और दो ड्रामे लिखे एक शहीद वफ़ा है और दूसरा मेव तलख़ है ये ड्रामे की रिवायत आगे बढ़ती जा रही है आगे और बढ़ते हैं और कौन कौन से नाम इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एक बड़ा नाम आपको नज़र आएगा अब्दुल माजिद दरियाबादी का जिन्होंने लिखा है जो दशीमा आपको नोट्स फ्राह्म कर दी गई है आपके घर पहुँच चुकी होंगी मैं चाहूँगा कि आप जो है ना एक लिस्ट इस तरीके से बना लीजिए एक तरफ आप ड्रामा निगार के नाम को लिख लीजिए और एक तरफ आप ड्रामों को लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन में तो मौजूद है ही लेकिन उसी के साथ में आप इस तरीके से कॉलम बनाकर पढ़ेंगे तो कम वक्त में आपकी तैयारी ज़्यादा हो जाएगी तो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने भी लिखा है और 1917 में ये ड्रामा लिखा गया था उसके बाद मुंशी प्रेमचंद अफसानवी अदब का बहुत बड़ा नाम यानी अफसाना लिखने का आगाज़ करने वाले मुंशी प्रेमचंद नवाब राय धनपत राय मुंशी प्रेमचंद उन्होंने भी एक अफसाना लिखा था अफसाने का कानवान था करबला लेकिन इस इसवान के बाद में वो जो है ना दोबारा लिखने की जसारत नहीं कर पाए दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं कर पाए देखिए यहीं पर लिखा हुआ है करबला है ना करबला नाम से लिखा लेकिन इसके बाद यानी उनको बहुत दुशवारियाँ झेलना पड़ी थी इनको बर्दाश्त नहीं किया गया क्योंकि करबला से हमारी अकीदतें जुड़ी है हमारी अक़दतें वाबस्ता वावस्त, है कोई भी इसके ऊपर क़लम उठा नहीं सकता है बहुत मोहतात रविश चाहिए करबला पर कलम उठाने के लिए उसके बाद चगबा साहब ने ड्रामा लिखा था कमला और इस तरीके से चकबा साहब ने भी ड्रामे की सिंफ में ज़ोर आजमाई की थी और ड्रामे की रिवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी तो आपको नाम नज़र आएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद अब्दुल हलीम शरर मिर्ज़ा मोहम्मद रसवा मुंशी प्रेमचंद अब्दुल माजिद दरियाबादी नारायण चकबर साहब इनके ज़रिए से ड्रामे का आगाज़ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर इन्होंने ड्रामों पर नहीं दिया था अब ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा लिखने से कासिर थे कासिर थे लेकिन उस वक्त के जो हालात थे जो कुछ भी मामला थे वो आप बखूबी जानते हैं लेकिन इनके ज़रिए से भी ड्रामे की रिवायत आगे बढ़ती है और फिर एक बड़ा नाम आपको ड्रामे की रिवायत में नज़र आएगा वो है इम्तियाज़ अली ताज उन्होंने लिखा था ड्रामा अनारकली कब लिखा था 1922 में लिखा था और दस साल के बाद उन्नीस में पहली मरतबा शाय किया गया था प्रोफेसर मोहम्मद हसन इस ड्रामे केवाले कहते हैं ड्रामे की दुनिया में इम्तियाज़ हासिल किया और एक नए दौर का आगाज़ हुआ अनारकली एक तारीख़ी ड्रामा है जिसकी तारीख़ी फ़जा किरदारों की घनगरज मुकालमों की लताफत पूरी फ़जा की चमक दमक गर्ज़ के हर पहलू को अदबी हलके में बेहद पसंद किया गया नेकी बदी का तसादम पेश किया गया इंसानी किरदारों की पेचीदगियाँ वाजे की गई इखलाक की अली कदरे मोहब्बत की अजमत सब कुछ पेश किया गया लेकिन उसके बावजूद इसे स्टेज नहीं किया गया क्यों नहीं किया गया उसकी वजह मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ तो अदबी ड्रामे की रिवायत इस तरीके से दिन दिन आगे बढ़ती जाती है अनारकली की मकबूलीत बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर आबिद हुसैन और महम्मद मुजीब इन लोगों ने ड्रामे लिखे हैं पर्दे गफलत और खाना जंगी इश्तिया हुसैन ने भी ड्रामे लिखे हैं और ड्रामे जो है वो पेश किए गए हैं बीसवीं सदी की तीसरी और चौथी बीसवीं सदी की तीसरी और चौथी दहाई दा, मतलब 1921 और 1931 सौ पहुँचते पहुँचते ड्रामा अपने तकनीकी वसायल और स्टेज के लवाजमात में दिन दोनों राह चौगनी तरक्की करने लगा था इस तरीके से ड्रामे की रवायत दिन ब दिन आगे बढ़ती जाती है आगे बढ़ते हैं पहले उसके बाद क्या हुआ पहले जो है ना खामोश फिल्में बनना शुरू हुई फिर बोलती हुई बन फिल्में बनना शुरू हुई उसके बाद रेडियो आ गया रेडियो आने की वजह से क्या हो गया रेडियाई ड्रामे ये मारज़ वजूद में आए और फिर क्या किया कंपनी और कल्बों ने यकबाबी ड्रामों को स्टेज करना शुरू किया फिर तो नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा कायम हो गया नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा कायम हो जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती थी जहाँ पर ड्रामे पेश किए जाते थे और इस तरीके से ड्रामे मतद उर्ज जवाल का शिकार होता है उतार चढ़ाव का शिकार होता है और तरक्की पसंद तहरीक का जब आगाज़ हुआ यानी कि उन्नीस सौ पैंतीस में उन्नीस सौ छत्तीस में जब बाब्ता आगाज़ होता है जब अंगारे मारे वजूद में आते हैं जब मुंशी प्रेमचंद अपने रिसाले हंस में तरक्की पसंद तहरीक के मंशूर को शायद कर तो उसके बाद एपटा की शक्ल में अवामी थिएटर का क़याम अमल में आया जिसने ड्रामे की दुनिया में एक नया और जीता जागता रुख दे दिया और ड्रामा अदबी और तजारती रुख से अलग होकर समाजी शोर में डूबकर एक नए रंग और तेवर में नजर आने लगा अब ये क्यों ऐसा लिखा गया है इसलिए कि मकसदियत यहाँ पर गालिब आ गई थी तरक्की पसंद तहरीक को आप देखें चाहे उसकी नज़म हो चाहे उसका अफसाना हो चाहे उसका नावल हो उसमें मकसदियत का कांसर बहुत ज़्यादा गालिब था तो इस तरीके से मकसदियत की तरफ इन्होंने काम को आगे बढ़ाया कदमों को आगे बढ़ाया आगे बढ़ते हैं ड्रामे की रवायत में हम देखेंगे ख्वाजा अहमद अब्बास का ड्रामा ज़ुबैदा आइटम बम और अनानस कृष्ण चंद्र का है सराय से बाहर किताब का फ़न नीलकण बेदी का है सात खेल नकल मकानी ख्वाजा सरा इसमत चुकताई का है धानी बागपन साफ सरदार जाफरी का ड्रामा है ये किसका खून मंटो का है इस मझधार में बेगम कुदसिया जैदी के ड्रामे और पृथ्वी थिएटर के तजुर्बा ने उर्दू ड्रामे को नए मौजूद और नए लवाजमा से मालामाल कर दिया इस तरीके से एक से बढ़कर एक ड्रामा निगार मन से शहूद पर जलवागर हुए गालिब सदी के मौके पर सैयद मोहम्मद मेहदी ने गालिब कौन है के नाम से एक ड्रामा लिखा था एजाज हुसैन ने आतिश मिजाज इंशा और अकबर अलाबादी पर ड्रामा लिखे मोहम्मद हसन ने भी गालिब पर ड्रामे लिखे हैं इस तरीके से ड्रामे की अदबी रिवायत परवान चढ़ती जाती है दिन दिन आगे बढ़ती जाती है हबीब तनवीर ने आगरा बाजार और रिफत शरोश ने भी गालिब के नाम से ड्रामे लिखे हैं मोहम्मद हसन ने पैसा और परछाई और जहाक जैसे ड्रामे भी लिखे हैं हबीब तंगवीर इब्राहिम यूसुफ़ सागर सरअी शबीब हनफी जाहिदा जैदी जहिर हंगुर वगैरह ने भी ड्रामे लिखे हैं तो इस तरीके से आज की हमारी ये क्लास मुकम्मल होती है उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होंगी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ठीक है जैसा कि वादा किया था लास्ट में आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ फिर क्लास ख़त्म करेंगे क्योंकि मुजीब सर की क्लास शुरू होने वाली है जी एम ए अक्तर जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसकी पी डी एफ मुकम्मल नूरी अकेडमी अप्लीकेशन में कॉन्टेंट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जी रेशमा बानो एक ताबीज की वजह से रस्तम सैराब की शनासाई होती है उनकी अम्मी तहमीना उन्होंने दिया था ब्रह्मा क्या है तारीख अजीज पूछ रहे हैं। एक हिंदुओं में एक देव होता है और देखिए मैं बहुत सम्भल कर बोलना चाहता हूँ ये सब मामला में मैं किसी कंट्रोवर्सी में मुबतला नहीं होना चाहिए एक तारीख की बात है तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ओके यूपी में भी नाटक वगैरह पेश किए जाते हैं रहस्यनामा मतलब राहस खाना राहस जो है ना वो एक किस्म का खेल खेला जाता है जिस तरीके से रास लीला होती है रामलीला होती है उस तरीके से राहस होता है जिसमें कृष्ण जी को पेश किया जाता है गोपियों को पेश किया जाता है वो तमन्नाओं को पूरी करने का वादा करते हैं फिर गायब हो जाते फिर जमुना के किनारे जाहिर होते हैं फिर साथ में बैठते हैं बातचीत करते तो वो जो खेल होता है वो राहस कहलाता है मुआसरिन कैसे कहते हैं मुआसरन हम असर एक दौर में एक जमाने में रहने वाले ड्रामा निगार जी शौक लखनवी सब ने बराबर जवाब दिया मोहम्मद कलीम अख्तर जल्दी जल्दी महसूस हुआ क्लास आज की बताइए प्लीज कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप बताइए क्योंकि मुझे टॉपिक ना मुकम्मल करना था और मेरे लिए ना टाइम बहुत आ, लिमिटेड था है ना इसलिए हो सकता है ऐसा हुआ होगा लेकिन अगर ऐसा है तो बताइए मैं कल से स्पीड और कम कर दूंगा क्षमा रेशमा ठीक है इस बोर्ड पे पढ़ाने में मज़ा तो आ रहा है लेकिन वो रिदम आप तो मैं कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स को देखते वो रिदम जो मैं सिस्टम पर पढ़ाता था और जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ क्या वो बाकी है क्या है ना वो आप प्लीज़ मुझे बताइए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिदम में कमी महसूस हो रही है यानी नो डाउट मैं जैसा पढ़ाता था उससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश किया हूँ लेकिन ऐसा है तो फिर हम सोचेंगे लेकिन आप बता रहे कि बोर्ड पर उससे ज़्यादा समझ में आ रहा है ज़ीनत परवीन कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्लास का टाइम क्या है क्या होना चाहिए आप कॉन्टेंट में जाइए ए टू जेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई आपको पूरा फोल्डर बना हुआ है टाइम टेबल का वहाँ पर जाइए टाइम टेबल देखिए आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बोती का तर्जुम आजीज़ अहमद ने किया था ठीक है स्पीड सही है कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड कम है टॉपिक बड़ा भी था असल में इसलिए हो सकता है मोहम्मद दाऊद क्लास का टाइम आप जो है ना वो आप ख़ुद अपने एप्लीकेशन में देख सकते हो एप्लीकेशन में जाइए टाइम टेबल का पूरा एक फोल्डर बना हुआ है उसके ज़रिए से आप देख सकते हो बोर्ड पर ज़्यादा अच्छा है ठीक है बहुत उम्दा क्लास चल रहा है बोर्ड पर शुक्रिया अच्छा रेशमा परवीन भी कह रहे कि बोर्ड पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है डिजिटल क्लास में जी खदीजा ज़ायदा परवीन पूछ रहे कि इतना सारा याद कैसे रखे देखिए इसीलिए तो हम आपको जो है ना वो एक कहानी की सूरत में पूरा पढ़ाने की कोशिश करते हैं पूरा बताने की कोशिश करते हैं कि आपको आसानी के साथ याद हो जाए है ना आप आ, कुछ गाइड वगैरह में देखते होंगे तो की पॉइंट्स नज़र आते होंगे और की पॉइंट्स अजबर नहीं होते याद नहीं होते उन्हें रटना पड़ता है लेकिन हमने कहाँ से शुरू किया था इंसान की तारीख जहाँ से है वहाँ से ड्रामे की तारीख है क्यों है क्योंकि इंसान ने जो कुछ तजर्बा किया जो कुछ मुशाह किया वो दूसरों में मुंतकिल करते थे मुंतकिल करने के लिए क्या करते थे वो आवाज़ का सहारा लेते थे और हरकत का सहारा लेते थे तो ये इब्तदाई नकोश है फिर उसके बाद हमने नौटंकी देखी भांड का जिक्र किया डोमनियों का जिक्र किया फिर उसके बाद देवी देवताओं के सामने जो कुछ अकीदतों के नजराने पेश किए जाते थे यूनान में जो पेश किए जाते थे उसको हमने देखा है संस्कृत ड्रामों को हमने देखा है और संस्कृत ड्रामों में जो इस कदर अक्सरीत पाई जाती वो सब हमने देखा है फिर नौटंकी पर हम आए थे नौटंकी हमने देखी है फिर रास लीला है फिर राम लीला है फिर राहस है फिर उसके बाद में ड्रामे का आगाज़ होता है है ना वो इंदर सभा को देखा अमानत लखनवी को देखा तो इस तरीके से तरतीब और अगर आप याद रखोगे कहानी के तर्ज पर तो याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर को एक से दो मरतबा आप पढ़िए आपको याद हो जाएगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आ, ड्रामे लिखे जाते हैं लेकिन पेश नहीं किए जाते फिल्माए जाते हैं जो कुछ भी मूवीज़ में होता है वो क्या होते हैं वो स्टोरी तो होती है वो ड्रामे तो ही होते हैं है ना इस ड्रामे का मतलब होता तो है करके बताना फिल्मों में क्या होता है करके बताया जाता है पहले ड्रामे स्टेज किए जाते थे जैसे आपके कॉलेज में कोई फंक्शन होता है वहाँ पर ड्रामा पेश किया जाता है है ना तो ये लोग क्या करते स्टूडियो में करते हैं उसे शूट करते उसे रिकॉर्ड करते और फिर वो थिएटर में पेश किए जाते हैं जैसे फारसी पारसी थिएटर हमने देखा अल्फ्रेड कंपनी हमने देखा वो ड्रामे स्टेज करते थे लेकिन उस स्टेज की जगह आप थिएटर्स ने ले लिए है ठीक है अरे असलम जमाल और पाँच मिनट का वक्फ़ा किया मेरे ख्याल से पंद्रह मिनट का वकफ़ा मिल जाता है आपको क्योंकि अभी मैं क्लास ख़त्म करूँगा है ना फिर मेरा सेटअप बंद करके नया सेटअप लगाऊँगा फिर वो नोट्स की मुंतकली होती है फिर लिखा जाता है वो पाँच मिनट नहीं दस पंद्रह मिनट हो जाते हैं मैं इसलिए मैं इसकी क्लास के लिए कहता हूँ कि हमेशा पंद्रह बीस मिनट का फ्लक्चुएट रखा करो और मेरे ख्याल से हर क्लास के बाद वक्फ़ा है पेपर फर्स्ट की क्लास के बाद जो पहली क्लास होती है उसमें भी वकफा है अभी जो क्लास होंगे उसमें भी वक्फा है इसके बाद जो क्लास होंगे उसके बाद तो वक्फा ही वक्फा है ठीक है रेशमा परवीन मैं ऑलरेडी नोट्स के हवाले से ग्रुप में डाल चुका हूँ आप अपना अप्लीकेशन ऑन कीजिए और वहाँ पे चैट का ऑप्शन नज़र आएगा वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए मैं पर्सनल पर आपको देता हूँ ठीक है मैं क्लास को ख़त्म कर दूँ ताकि मुजीब सर का सेटअप मैं रेडी करवा सकूँ Uh, मंतज़िर एक मरतब आप मेरे नंबर पे बात कर लीजिए मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा स्क्रीन पर शायद मेरे नंबर आपको नज़र आ रहा होगा नहीं नज़र आया तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको बता देता हूँ रेशमा परवीन आप भी नोट डाउन कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर है प्लीज़ है ना कॉल करेंगे हो सकता है कॉल रिसीव नहीं होगा तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है मुंतज़िर है रेशमा परवीन है आप सब इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं देख लीजिए फिर मैं क्लास ख़त्म करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्लास मैं चाहूँगा आप सभी से कि यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेस आ रही है उसे लाइक कीजिए उसे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर चाहे आपकी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फीडबैक आप ज़रूर वहाँ पर पेश करें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज